नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ क्रिसमस और न्यू ईयर का आनंद लेने के लिए सभी लोग पूरी तरह से तैयार होंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से किचन टिप्स, कुछ रेसिपीज, गोंद भूनने का बहुत ही अमेजिंग तरीका जिसमें आपको एक बूंद भी गोंद की तेल की या घी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कंजूसी क्यों करना भाई, एक ही तो बटन दबाना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी जिसे मैंने चावलों से बनाया है। जो हमारे घर में चावल बच जाते हैं ना, चावलों का बचना तो नॉर्मल सी बात है, कभी दाल चावल बनाए हैं तो चावल बच गए, नहीं चावल बचते ही, कितने भी चावल बचे हों आपके घर में, एक कटोरी ही चावल क्यों ना हो, जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। दो बूंद डालिएगा तेल कढ़ाई में, उसका राई डाल दीजिए, हरी मिर्च डालिए, करी पत्ता और खड़ी लाल मिर्च को तोड़कर डालिएगा, उसके बाद में डाल दीजिएगा चावल। दही अभी हम बाद में डालने वाले हैं, चावल डाल दीजिए। चावल डालने के बाद में लाल मिर्च डालिए और उसके बाद में इसको अच्छे से चला दीजिएगा। तो क्या होगा कि हमारे चावल है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद में दही लीजिएगा और दही इसमें डाल दीजिए। दही जब हम गर्म कढ़ाई में डालते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि दही थोड़ा सा फट्टा जैसा है, तो जो हमारे चावल है ना वो एकदम जूसी हो जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। थोड़ी सी काली मिर्च और मैंने यहाँ पर डाला है पुदीना पाउडर, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हो, डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पीनट्स का फ्लेवर पसंद है तो आप में पीनट्स ज़रूर डालिएगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो ये है बचे हुए चावल के बहुत ही अच्छे से कर्ड राइस, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताने में ज़रा भी कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर गई बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता। आपने पनीर की बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, मटर पनीर खाया होगा, मटर पालक पनीर खाया होगा, लेकिन आज मैंने बनाए थे मटर और पनीर के पराठे जो बहुत ही अमेजिंग बने थे। और इसे बनाने के लिए हमने तेल में प्याज लहसुन अदरक डाल करके, जीरा डाल दीजिए और हरी मिर्च डालकर ना, मैंने यहाँ पर प्याज जब हल्का सा हमारा सौते हो जाएगा तो उबली मटर मैं रखती हूँ हमेशा फ्रिज में, यहाँ पर भी मैंने उबली मटर लिया, अगर आपके पास नहीं है तो उबाल लीजिएगा। और मटर को जो बॉयल मटर डाली है उसे डालकर सारे मसाले डाल दीजिए और फिर इसको आप हल्का सा क्या करेंगे, हम क्रश कर लेंगे। क्रश करने से क्या होगा कि हमारा जो पराठा है वो एकदम से ऐसा ठोस जैसा नहीं बनेगा, थोड़ा फूलेगा। और जब हमारा पूरा ये मिक्सर रेडी हो जाएगा ना, तो हम लास्ट में इसमें जो पनीर है वो क्रम्बल करके डालेंगे। पनीर की क्वांटिटी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, आप कितना पनीर खाना चाहते हैं, आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। और इस तरह से ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी, इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और गर्म मसाला ज़रूर डालिएगा। ऊपर से डाल दी है मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची, काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर धनिया पत्ती डाल करके इसको ठंडा होने दीजिएगा। और उसके बाद में आटा, नॉर्मल आटा जो होता है ना हमारा, मेरे पास तो सुबह का रोटी का आटा रखा हुआ था, मैंने वही आटा लिया है। आप चाहें तो नमक डाल करके आटे को गूंथ सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से बढ़िया खूब सारी फिलिंग को हमेशा भरते मैंने एक बॉल जैसा बना लीजिए, लड्डू जैसा, और उसके बाद में गड्ढा करके फिलिंग भरेंगे ना, तो कभी भी आपकी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो ये देखिए हमारा बहुत ही अमेजिंग सा पराठा बिलके तो तैयार हो गया है, सेकने में चल रही अभी आपके साथ में, इसको हम सेकेंगे। तो ये देखिए तवे पर हमने डाल दिया है, डालने के बाद में पलट दीजिए और उलटते पलटते हुए हमें इस पराठे को एकदम गोल्डन ब्राउन सा सेक लेना है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आप हेल्थ नाश्ते में बना सकते हैं इसको, या फिर आप डिनर में भी बनाएंगे ना, बहुत अमेजिंग पराठा बनता है। तो ये देखिए पराठा हमने बना लिया है। मैं पराठे को हमेशा काट कर सर्व करती हूँ, उससे दो फायदे होते हैं कि दो लोग एक साथ खा लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको इसकी फिलिंग भी दिखाई है और मैंने इसको टोमेटो सॉस और हरी धनिया के साथ सर्व किया। आपने किसके साथ सर्व किया मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों गोंद। सीजन में सर्दियों में गोंद सब खाना चाहते हैं और फायदेमंद बहुत होता है, कमर दर्द के लिए, हड्डियों के लिए, कैल्शियम बहुत होता है। लेकिन इसको खाने में मुझे तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इसे जब घी में तलना पड़ता है ना, तो एकदम आत्मा बाहर को आती है, लगता है कि बाप रे इतना सारा घी कैसे खाएंगे। तो मैंने इसे बनाया माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में आप सिंपली रख दीजिए, आप देख रहे हो ना, मैं आपको, मैंने इसीलिए वॉल्यूम को नहीं कम किया है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा सिक करके तैयार हुआ है। आप इसको धीमे धीमे पहले 2 डिग्री पर रखिएगा माइक्रोवेव में, 2 टेम्परेचर रखिएगा, फिर एक 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 करके बढ़ाइएगा और लगभग 4 से 5 मिनट में ये भून करके बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। ये देखिए आप आवाज़ सुन रहे होंगे कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, कर करके आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से भून जाता है, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घी में नहीं भूना है। तो इस तरह से आप भून लीजिए। भूनने के बाद में मेरा थोड़ा सा चिपक गया था, आपका अगर एकदम सूखा हुआ गोंद है ना तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, एकदम बॉल्स जैसी निकलकर सामने आती हैं। तो आप इस तरह से भूनिएगा। भूनने के बाद में आपको जिस फॉर्म में क्रश करके डालना है तो डालिए लड्डू में, या पीस कर डालना है तो डालिए, हरीरा बनाना है तो बनाइए, ये
आपकी मर्जी है, तरीका मैंने बता दिया, लेकिन आपने क्या बनाया है ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक हेल्दी सा बहुत बढ़िया सा मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था ओट्स के साथ में, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक कटोरी ओट्स को लेकर लगभग एक कटोरी ही दही में मैंने यहाँ पर इनको भिगो दिया है। भिगो कर हम इसे 20 से 25 मिनट तक रेस्ट देंगे। तो ये देखिए हमने इसको भिगो दिया है, भिगोने के बाद में इसको ढक करके रख दीजिएगा 20 से 25 मिनट तक। जब तक हमारा ओट्स फूल रहा है, हम यहाँ पर एक बढ़िया सी एक हमें ग्रेवी या फिलिंग टाइप की बनानी है, जिसमें हम भरेंगे नहीं लेकिन हमें एक छोटी सी सब्जी बनानी है। तो हमने यहाँ पर तेल लिया है, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी और डाल दिया है मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर सब्जियाँ डाली हैं कुछ, जिनमें मैंने गाजर ली है, प्याज लिया है और शिमला मिर्च ली है। आप मन चाहे कोई भी सब्जी ले सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, टमाटर और गाजर लेकर के डाल दीजिए। और इसके बाद में इनको हमें गाजर को बहुत बारीक हमको काटना है, बहुत मोटा मत काटिएगा। और इसके बाद में ये इस तरह से हमें इसकी एक हल्की सी सब्जी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा हमको इसको नहीं गलाना है, इसको ढक दीजिए नमक डालकर। नमक डालने से क्या होगा कि जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देंगी और पानी रिलीज करने के साथ ही हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से सूखी सी हो जाएंगी। इसमें डाल दीजिए मनचाहे मसाले। मैंने यहाँ पर केवल डाला है अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और लाल मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई से भी मसालों को डाल सकते हैं। अब गैस को बंद कर दीजिए और अब आते हैं ओट्स की तरफ। ओट्स को देखिए आप, जैसा कि देख सकते हैं ओट्स अच्छा थिक हो चुका है। तो अब हमने क्या किया है, इसको मैं अच्छे से चलाऊंगी ताकि एक जैसा मिक्सचर बन जाए। उसके बाद में जीरा, नमक और लाल मिर्च डाल करके, आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, और एक अच्छा सा बैटर इसका तैयार कर लीजिए। बहुत थिक बैटर नहीं होना है और बहुत ज़्यादा पतला बैटर भी नहीं होना है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी किस तरह की है। फिर मैंने लिए हैं दो ब्रेड स्लाइस। ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरह से हम ओट्स के मटेरियल को लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया। और अब इस ब्रेड स्लाइस को हम ओट्स की तरफ से नहीं, हम इस तरह रखेंगे कि हमारा जो ओट्स वाला स्लाइस है, ओट्स वाला पोर्शन है, वो ऊपर की तरफ रहे। पूरी ये जो सब्जी है इसको पैन में अच्छे से फैला दीजिएगा। नॉन स्टिक पैन रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस तरह से हमने इसको फैला दिया। मैंने इस काट काट के ना दो छोटे छोटे पीस आगे बाजू भी लगा दिए हैं, उनका मैंने हिस्सा नीचे कर दिया गलती से, तो उनको हम इसी तरह बनने देते हैं। और इस तरह से हमने इनको रख देना है। रखने के बाद में आप इसको ढक दीजिए, थोड़ी ही देर में लगभग 2 मिनट में ही ना ये रेडी हो जाते हैं। इनको आप पलट दीजिए, पलटने के बाद में इनको थोड़ा सा और ब्राउन होने दीजिए। इसके बाद में ना दोस्तों ये देखिए कितने बढ़िया से आप कलर देख रहे हैं, आप इनका टेस्ट देखिए, जब आप बनाओगे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये लीजिए बन करके हमारा ओट्स का टोस्ट हो गया है तैयार। अब आप इसको टोमेटो सॉस से खाइए, इमली की चटनी से खाइए, डिनर में खाइए या ब्रेकफास्ट में खाइए। आपकी मर्जी, थोड़ी सी जो बची हुई सब्जी है ना उसको बीच में ज़रूर डालिएगा और इसको लगा लगा के खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हमारे घर में जिस तरह से चावल रोज बच जाते हैं, रोटियों का बचना भी नॉर्मल सी बात है। तो मेरे घर में भी रोटियाँ बच गई थी और बड़ा मन कर रहा था कि मैं चाट कुछ खाऊँ, तो चाट मैंने कैसे बनाई बची रोटियों से आप देखिए। मेरे फ्रिज में हमेशा आलू और मटर का मटेरियल, आलू के पराठे का मटेरियल और मटर का हमेशा तैयार रहता है, तो वही मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने इनको इस तरह से रोटी पर लगा लिया है पूरा, और उसके बाद में तवे पर डाली है चिकनाई। चिकनाई के ऊपर हमने इस रोटी को डाल दिया। इस रोटी को हमें मीडियम फ्लेम पर एकदम गोल्डन सुनहरा होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। दोनों तरफ उलटते पलटते हुए रोस्ट कीजिएगा धीमी आँच पर, ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो ये लीजिए हमारी रोटी सिककर हो गई तैयार। और उसके बाद में मैंने इसको निकाल लिया है एक प्लेट में। प्लेट में निकालने से पहले इसको काट जरूर लीजिएगा पिज़्ज़ा कटर से, क्योंकि अदरवाइज ना खाने में बहुत प्रॉब्लम आती। इसके ऊपर आप डाल दीजिए हरी चटनी, लाल चटनी, दही, यानी जो चाट का मटेरियल होता है ना, उस सारे का सारा इसमें डाल दीजिए। एक अमेजिंग सा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाद में मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। आप इसके ऊपर चाहें तो मटर भी, बॉईल की हुई जो मटर होती है ना, सफ़ेद मटर, वो डाल सकते हैं, छोले डाल सकते हैं। और इसके बाद में मैंने डाल दिए बारीक सेव, अनार के दाने, और उसके बाद डाल दिया बारीक कटा हरा धनिया। बहुत ही अमेजिंग सा मेरा बन के तैयार हो गया है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सभी को इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।